सो गाइस पहले करेंगे क्या, पहले एवेप्लेयर को ओपन करेंगे और ये फुल स्क्रीन है, ठीक है, ये फुल स्क्रीन टेम्पलेट है। तो पहले एवेप्लेयर को ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद ही आपको मतलब कुछ इस तरह की इंटरफेस दिखा देगा। तो पहले आपको करना क्या होगा, मतलब यही टेम्पलेट है, तो पहले आपको करना क्या होगा, इस टेम्पलेट को लोड करने के लिए यहाँ जो एक बॉक्स की लोगो देख रहे हैं तो इसके ऊपर आपको टैप करना होगा। यहाँ पर टैप कर देने के बाद लोड फ्रॉम फाइल के ऊपर टैप करना, और आपके पास जहाँ पर भी वो विजुअलाइजर जिस फोल्डर में है पहले उस फोल्डर में जाके उस विजुअलाइजर को सिलेक्ट करके मतलब दिखा देते हो विजुअलाइजर कौन सी है। तो जैसे फाइल मैनेजर पे आया तो यहाँ पर आने के बाद जहाँ पर भी मेरा विजुअलाइजर है तो ये है विजुअलाइजर जो कि 45, ठीक है, विजुअलाइजर 45 बैठे, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करके इसको ओके कर देना, जैसे ओके कर दोगे यहाँ इंपोर्ट हो जाएगा जैसे कि देख रहे हो ये टेम्पलेट, ठीक है। तो अब आपको करना क्या होगा, इसको थोड़ा सा एडिटिंग करना होगा, ऑलरेडी एडिटिंग मैं कर चुका हूँ। तो पहले हम करेंगे क्या, पहले इससे जो पेंसिल वाला लोगो देख रहे हो इसके ऊपर टैप करना होगा। यहाँ पर टैप कर देने के बाद फर्स्ट वाला जो कि इमेज आएगा तो इमेज की साइज होगा 720x1280, मतलब फुल स्क्रीन की जो इमेज की साइज होता है। तो पहले वो साइज आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको करने के बाद योर इमेज के ऊपर टैप करना होगा। टैप कर देने के बाद इमेज के ऊपर टैप करना होगा और कस्टम इमेज के ऊपर टैप करना होगा, थोड़ा सा नीचे आ जाना होगा, पीक इमेज के ऊपर टैप करना होगा। और आपके पास जो इमेज की मदद से मतलब जो इमेज के लिए आप भी स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो पहले उस इमेज को मतलब सिलेक्ट करके वहाँ ले जाना होगा, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इस इमेज को चूज़ कर लिया। तो इसको चूज़ करने के जैसे टैप कर दोगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, और आपको फिर से करना क्या, उसको बैक कर देने के बाद इमेज के ऊपर आना होगा और यहाँ जो ऊपर वाला जो एक बॉक्स देगा तो इसके ऊपर आपको टिक कर देना होगा, ठीक है। जैसे टिक कर दोगे ये मिडिल में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या होगा, बैक कर देना होगा। तो बैक कर देने के बाद आपको करना क्या होगा, अपना चैनल का नाम जो ऊपर वाला में जो रहता है, ठीक है, जो मतलब जो चैनल के नाम मतलब वो ऊपर वाला जो मेरा चैनल का नाम देख रहे हो तो वो चैनल आपका नाम आपके कैसे रखना चाहते हो पहले दिखा देते हो। तो ये पेंसिल वाला लोगो के ऊपर टैप करना, चैनल के नेम के ऊपर टैप करना, यहाँ पर टैप कर देने के बाद जो एपिडेंस है तो इसके ऊपर टैप करना होगा। यहाँ पर टैप कर देने के बाद टेस्ट के ऊपर टैप करना और अपना चैनल का नाम यहाँ पर टैप कर देना, ठीक है, मतलब यहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो लिख देने के बाद उसको राइट कर देना और अपना चैनल का नाम वहाँ चला जाएगा। तो उसके बाद आपको करना क्या होगा, नीचे वाला जो कि देख रहे हो इमेज के बाद जो टेक्स्ट है तो इसके ऊपर टैप करना होगा। यहाँ पर टैप कर देने के बाद जनरल के ऊपर आ जाना होगा और इसको विजिबल कर देना होगा। तो ये जो फील द म्यूजिक है तो ये मतलब ये इमेज आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इस इमेज को चेंज करना चाहते हो तो मैंने 5 इमेज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले वहाँ पर जाके उस 5 इमेज को डाउनलोड कर लीजिए। तो फिर आपको करना क्या होगा, इसको बैक कर देना होगा। इसको बैक कर देने के बाद ब्लू वाले इफेक्ट के ऊपर आना होगा और इसको मतलब इसको विजिबल कर देना होगा। जैसे विजिबल कर देगी कुछ इस तरह की बबल्स ऊपर की तरफ मतलब उड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको करना क्या होगा, जो बार्स है तो बार्स को देख लेना कि ये जनरल पे विजिबल है या नहीं, ठीक है। तो ये विजिबल है तो इसको कुछ भी नहीं करना है। तो फिर आपको करने के लिए जो पार्टिकल्स है तो इसके ऊपर आपको आना होगा और यहाँ पर आ जाने के बाद आपको देख लेना कि ये जो बबल्स मतलब जो ऊपर की तरफ वो हो रहा है। तो अगर आप ये इसको साइज चेंज करना चाहते हो तो चेंज करने के लिए ये जो मतलब कस्टम इमेज है तो इसके ऊपर आना होगा और यहाँ पर आ जाने के बाद आप किस तरह की बबल्स लेना चाहते हो यहाँ पर आप टैप करके ले सकते हो। तो इसको यही रख देते हो, ठीक है। तो यही नॉर्मल में बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट पार्टिसिपल में आना होगा और यहाँ पर आपको जो मनपसंद मतलब आप कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे एडिटिंग पूरी तरह से फिनिश। अब आपको करना गाना सेलेक्ट करने के लिए आप लोगों को कहना जरूरी नहीं है क्योंकि आप लोग कर सकते हो, वेरी इजी है। तो फिर भी दिखा देता हूँ, थ्री लाइन के ऊपर आ जाना, यहाँ पर आ जाने के बाद लाइब्रेरी के ऊपर आ जाना। तो यहाँ पर आ जाने के बाद आपके पास जहाँ पर भी वो गाना है पहले यहाँ सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो मैं जो गाना पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने गाना को सेलेक्ट कर लिया। तो फिर से आपको करना क्या होगा, थ्री लाइन के ऊपर टैप करना होगा, विजुअलाइजर के ऊपर आ जाना होगा, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर आ गया, नेक्स्ट आपको करना क्या होगा, इसको सेव करना होगा। तो इसको सेव करने के लिए आपको करना क्या होगा, ये जो डाउनलोड का लोगो है तो इसके ऊपर टैप करना होगा। यहाँ पर टैप कर देने के बाद आपको चॉइस प्रीसेट में आना होगा और ये जो 720 पीक की है तो इसके ऊपर आपको टैप करना होगा। यहाँ पर टैप कर देने के बाद आपको थोड़ा सा हाइट और विड्थ की थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये जो 1280 है तो इसको कर देना होगा 720, ठीक है। तो इसको 720 कर दिया। नेक्स्ट आपको 720 जहाँ जिस घर में लिखा है मतलब हाइट की यहाँ पर लिखना होगा आपको 1280, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपको करना क्या होगा, आपको नीचे आ जाना होगा और ये जो स्टार्ट और एंड टाइम है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा कि आप गाना को कहाँ से कहाँ तक लेना चाहते हो, ठीक है, मतलब गाना को कहाँ से काट करके कहाँ से आप एंड करना चाहते हो, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको करना क्या होगा, स्टार्ट टाइम के ऊपर मतलब ये मेरा जो स्टार्ट टाइम है यहाँ पर 0 ही रहेगा और एंड टाइम को थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो जैसे इसके ऊपर टैप करूँगा तो इसको मैंने 0 में कर दूँगा और इसको सेकंड में ले लूँगा, ठीक है। तो इसको मैं 40 सेकंड मतलब इसको 40 सेकंड में 50 सेकंड में रख के इसको सेव कर दूंगा। जैसे एक्सपोर्ट कर दूंगा तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। अगर एक्सपोर्ट होने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करके और एक वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस वीडियो इतना ही। अगर इस वीडियो का अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो गाइज बाय।